नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनाने की विधि सीखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बेकिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों में से हर बार क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में फंसते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार केवल बेकिंग सोडा ही आ जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले जानेंगे हम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, फिर सूत्र, फिर अणुभार, फिर बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, उसके बाद उपयोग। यानी कि बेकिंग सोडा का हर एक पॉइंट हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको बेकिंग सोडा बनाने की पूरी विधि और उसके उपयोग आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। बेकिंग सोडा को हम साधारणतः खाने का सोडा कहते हैं और रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। फिर से, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसका सूत्र यानी जिसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं वो NaHCO3 होता है और इसका अणुभार 84 होता है। चलिए देखते हैं हम बनाने की विधि। तो यहाँ पर है, हमने हेडिंग डाला है बनाने की विधि। यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। सही जान लेना, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 इक्वल टू सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद आते हैं इसके गुण पर। सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक गुण, जिससे हम इसे देखकर पहचान पाएँ। भौतिक गुण क्या होता है जो हमें दिखाई देते हैं, और रासायनिक गुण क्या होता है जो हमें अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होते हैं। तो भौतिक गुण है, तो नंबर एक भौतिक गुण है, यह सफ़ेद रंग का अवक्षेप है, यानी कि यह सफ़ेद रंग का ठोस है जिसे हम अवक्षेप कहते हैं, जो जल में अविलेय है। यानी कि यह सफ़ेद रंग का होता है और जल में अविलेय होता है। सफ़ेद रंग का और अविलेय प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, पर यह बेकिंग सोडा है। और यहाँ पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है हमारा भौतिक गुण हो गया। अब आता है हमारा रासायनिक गुण। तो यहाँ पर हमने भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक में ही लिख लिए हैं, पर पहले नंबर का है भौतिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण। भौतिक गुण हमने जान लिया, अब आते हैं रासायनिक गुण पर। तो पहला है इसमें ताप का प्रभाव। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ पर टू NaHCO3 है, इसे हम गर्म करेंगे तो हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कौन सा इसमें रासायनिक गुण है, ये है जल अपघटन। जल अपघटन में यह जल के साथ अपघटित होकर क्षारीय विलयन बनाता है। जैसे NaHCO3 प्लस H2O है, तो यहाँ पर NaOH H2O, यहाँ पर NaOH गलत लिखा है, ये हमने देखिए गोला किया हुआ है, इसे हम काट देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्षारीय विलयन H2CO3 बन गया है, मतलब कि क्षारीय विलयन रिलीज होता है। इसके बाद अम्लों से अभिक्रिया करके लवण व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे NaSCO3 है, इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए HCl यानी कि अम्ल से अभिक्रिया कराई, जो कि प्रबल अम्ल है, तो हमें NaCl प्राप्त हुआ प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, लवण तथा जल हमें प्राप्त हो गया। ये है लवण, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये है लवण, ये है जल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद पांचवा है धातु से अभिक्रिया। ये धातु से अभिक्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट से उसी धातु का कार्बोनेट बनता है। यानी कि जिस धातु से कराएंगे, ZN से कराएंगे तो ZN का हमारा बनेगा जो कार्बोनेट है, जैसे और किसी से कराएंगे, लोहा से, तांबा से, इससे कराएंगे तो वो मतलब कि उसी का कार्बोनेट बन जाएगा, उसी का CO3 बन जाएगा। जैसे हम कराते हैं ZnSO4 से, तो हमें ZnCO3 बनता है, यानी कि धातु का कार्बोनेट हमें प्राप्त हो रहा है। इसके बाद आते हैं लास्ट यानी उपयोग पर। तो उपयोग इसके निम्न है, जैसे पेंट की अम्लता दूर करने में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, प्रयोगशाला में अभिक्रिया के रूप में, और चर्म रोगों के निदान में। यानी कि इसके उपयोग बहुत सारे हैं। इसके बाद चलिए हम इसे थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या। इसका नाम है खाने का सोडा, या इसे हम धावन सोडा कहते हैं। फिर हमने सीखा इसके बनाने की विधि। सोडियम कार्बोनेट में CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर इसके बाद हमने इसके कुछ गुण देखे। भौतिक गुण है, ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप है और जल में अविलेय है। फिर रासायनिक गुण देखे, ताप पर प्रभाव देखे, फिर जल अपघटन, फिर अम्लों से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया, और उसके बाद उपयोग। सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई गलती हो वीडियो में माफ़ करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।